नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का BFM स्टूडियो में मैं स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम एंट्री फी से लेकर उसके जाने का रास्ता और कहां रुकना है, कैसे विजिट करना है, कितना टाइम लगेगा, सब कुछ इस पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक पार्क पटना के बेली रोड पर स्थित है। इस पार्क को 1973 में एक चिड़ियाघर के रूप में जनता के लिए खोला गया था। यह पार्क पटना का सबसे अधिक पिकनिक वाला स्थल है। जी हाँ, पार्क को पहली बार 1969 में एक वनस्पति उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। 1973 से यह पार्क एक जैविक उद्यान रहा है। एक चिड़ियाघर के साथ एक वनस्पति उद्यान का संयोग किया गया। लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग से अधिग्रहित भूमि को राज्य सरकार द्वारा 8 मार्च 1983 को संरक्षित वन घोषित कर दिया गया था। दोस्तों, ऐसा इतिहास बहुत कम सुनने को मिलता है। हम तो कहीं भी जाते हैं, विजिट कर लेते हैं और जहां तक हो सकता है बस देख के फोटो दो चार सेल्फी लिए और चले आए, लेकिन वास्तविकता घूमने का मतलब है कि उसके बारे में जानना। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा विस्तार से कुछ बातें रख रहा हूँ। यदि ज़्यादा डिटेल में जाए तो अपना विचार या सुझाव कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस चिड़ियाघर में लगभग 110 प्रजातियों के 800 से अधिक जानवरों का घर है। सच में ऐसा मैं पहली बार किसी जू में इतनी प्रजातियों को देखने का मुझे मौका मिला, जिनमें बाघ, तेंदुआ, बादल वाले तेंदुए, दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ, हाथी, हिमालयी काले भालू, सियार, काले हिरण, चित्तीदार हिरण, मोर, पहाड़ी मैना, घड़ियाल, अजगर, इतने विचित्र जानवर आपको इस पार्क में मिलेंगे जो सच में एकदम रोमांचित कर देता है आपके जर्नी को। और मैंने एक चीज़ लिखा था कि क्या यहाँ पे आदमखोर शेर पाए जाते हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यहाँ के जो शेर है उनसे आपको ध्यान रखना है, कहीं कुछ ऐसा उनको उकसाना नहीं है, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है। तो इस वनस्पति उद्यान के रूप में शुरू होने के बाद पार्क में वर्तमान में पेड़ों, जड़ी बूटियों और झाड़ियों की 300 से अधिक प्रजातियां हैं। जी हाँ, यहाँ पे तरह तरह के पेड़ पौधे, तरह तरह के फूल देखने को मिलते हैं। जब आप एंट्री करते हैं तो पहले ही गेट के शुरू में ही आपको सभी तरह के मैप दिख जाएंगे कि कैसे कैसे आपको जाना है। हाँ, एक वार्निंग मैं ज़रूर देना चाहता हूँ कि एंट्री करते समय आपको मैप सबसे पहले देख लेना चाहिए, क्योंकि जब आप मैप देखते हैं तो आपका टाइम बच जाता है और हो सकता है कि आप इस जगह को विजिट कर सकते हैं। और सच बताऊँ तो जब मैं एंट्री लिया, यानी जब मैं इस पार्क में एंट्री लिया, तो मुझे शुरू में ही इतने खूबसूरत फूल दिखे जिसको मैं कैप्चर करने से रुका नहीं। मैं उसको तुरंत वीडियो में कैप्चर किया, उसे देखा, महसूस किया, जैसे लग रहा है कि कुछ चीज़ें मेरे जीवन में अधूरा रह गया था। जब आप एंट्री करते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ भेड़ियों का यानी भेड़ियाँ वोल्फ आपको दिखेंगे, और ये सच में कोई बनावटी नहीं है, ये जिंदा है, ये सच में आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखिए सोए हुए हैं भेड़िए, अगर थोड़ा सा और इंतज़ार मैं करूँ तो हो सकता है इनकी चहल पहल देखने को मिले। फिर भी थोड़ा जूम करके देख लेते हैं कि देखिए कितने शांति से सब सोए हुए हैं, है ना। तो वोल्फ ऐसे तो इतने खतरनाक होते हैं कि क्या बताया जाए, लेकिन जब ये कैद रहते हैं तो मानो तो सुरक्षित अपने आप को होता है, लेकिन इनकी ज़िंदगी कैद रहती है। ये एक विडंबना है, और यदि ये कैद नहीं होते तो शायद हमें भी खतरा हो जाता। वैसे ही कुछ आप देख सकते हैं लेपर्ड और तरह तरह के, यहाँ पे टाइगर भी देखने को मिलते हैं। बहुत कम स्पेस है जिसमें से मैं शूट करने की कोशिश किया हूँ, तो थोड़ा सा दिखेंगे। यहाँ पे टाइगर दिख रहे होंगे शायद आपको, और उसी तरह यहाँ पे ईगल भी है, जो ईगल दूर से तो नहीं दिख पाएंगे लेकिन जब जूम करते हैं तो हाँ आपको कुछ दिखेंगे। और ठंड का मौसम है तो सभी पशु पक्षी अपने घरों में बहुत शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं।
असल में ये जो आप फोटो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, यह बनावटी है, यह वास्तविक नहीं है। लेकिन मैं आपको वास्तविक जो शेर है उससे मिलवाऊंगा। अभी फिलहाल इसके देख के आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, जैसा मैंने बोला कि मैं सच में उस शेर से मिलवाऊंगा, हालांकि आपको ये टाइगर ही दिखेगा यहाँ पे, जो खतरनाक, बहुत ही खतरनाक होते हैं। शायद कुछ अपनी मस्ती में है यह टाइगर, बहुत ही अभी बच्चा लग रहा है। यह टाइगर बहुत ही बच्चा टाइप लग रहा है, लेकिन बच्चा समझ के हमें इस इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दिखने में शायद छोटे हों लेकिन है बहुत खतरनाक। यदि इनसे एक दिल्ली की घटना थी, जिसमें दिल्ली के जू में गिरने से क्या हुआ था कि उसके सर को पकड़ लिया और घुमा दिया था। लेकिन ये दूर से देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, हालांकि पास से भी देख सकते हैं जब वो पालतू हो, घर पे चिल्लाया हो और बचपन से जान पहचान हो। हालांकि ये टाइगर अपने ही जगह पे पूरी तरह से मस्त हैं और दुनिया में इसकी प्रजाति भी बहुत कम हो चुकी है। तो कुछ ज़्यादा कहना बहुत अच्छा नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे बस टाइगर का एंजॉय कीजिए। और जब भी आप जाएंगे, अपनी आँखों से देखेंगे, तो मैं सच बता रहा हूँ कि ये टाइगर आपको बार बार आवाज़ देंगे कि आइए आइए, मैं मिलना चाहता हूँ। देखिए चाल क्या मस्तानी है, जब चलते हैं तो सच में लगता है कि एक पंजा जब मारे तो क्या होगा। खैर, मैंने विंडो ग्लास से ही इसको शूट करने की कोशिश किया है, और मेरे पास कैमरा जो भी है, उस जितनी अच्छी क्वालिटी हो सका उतना मैंने कवर किया, और मैं आप लोगों के बीच में ये वीडियो लाया हूँ। बीच बीच में मैं ज़रूर एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आप लोगों को पता है, जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो हम लोगों को एक उत्साह मिलता है, मनोबल बढ़ता है। जब भी आप लोगों को देखते हैं कि व्यूज़ बढ़ता है, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, तो और अच्छे से शूट करने का मन करता है और अच्छे से वीडियो बनाने का मन करता है। दोस्तों, अभी हम लोगों ने टाइगर का जिक्र किया और देख भी लिया वास्तविक रूप में कि टाइगर मैंने कहीं अलग से बनाया नहीं है और कृत्रिम चीज़ों का शूट नहीं किया, ये ओरिजिनल चीज़ है। अब देखते हैं भालू। जी हाँ, भालू वैसे तो हमें कहीं भालू भी वैसे तो भालू की भी संख्या अब कम हो चुकी है और बहुत रेयरली ऐसा देखने को मिलता है। हालांकि बिहार सरकार का भी धन्यवाद कि इन्होंने इस चिड़ियाघर को जिंदा रखा है। इसमें भालू, जिराफ और तमाम तरह के पशु पंछी को सजो के रखा है, बना के रखा है। यानी एक शब्दों में कहूँ तो यह पार्क बहुत ही लाइवली है, बहुत ही जिंदा है। यहाँ पे जब भी आप आएंगे, आपको थकावट महसूस होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे खाने की भी व्यवस्था है, पीने की भी व्यवस्था है, अगर फ्रेश होना है तो उसकी भी व्यवस्था है। तो ऐसे ही कुछ और भी चीज़ों का दर्शन करते हैं, विजिट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक शुतुरमुर्ग है, जो बार बार मैं शूट कर रहा था तो ये बार बार छुपने की कोशिश कर रहा था, और मैं भी कहाँ उससे कम था, मैं भी बस खड़ा हो गया कि अब निकलोगे। देखो कहीं ना कहीं वो जरूर निकलेगा। अंततः एक समय आता है जो मैं दूसरे कैटेगरी में उसको पकड़ ही लेता हूँ। जी हाँ, देखिए ये आ गया। तो ऐसे स्थिति में ये शुतुरमुर्ग काफ़ी खेल खेल रहे थे, हालांकि बच्चों के साथ खेल रहे थे, मैं बच्चों का चेहरा नहीं दिखा सकता था, इसलिए बस यहीं पे रोकता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ बर्ड्स हैं जो बहुत ही हालांकि यहाँ कितना धूमिल था, इतना कचरा था, इतना गंदा था कि मैं इसको दिखा नहीं सकता। तो फिर भी मैं कुछ कोशिश किया हूँ। आप देख सकते हैं छोटे छोटे पैरेट्स हैं, एकदम अलग अलग तरह से, हम लोग हिंदी में उसको सुग्गा भी कहते हैं और आप इसका नाम भी सुने होंगे। तो तमाम तरह के यहाँ पे पशु पक्षी है। अच्छा, जब मैं घर पे था तो मैं कभी कभी पैरेट्स जिलाया करता था, लेकिन अच्छे से ध्यान रख पाने की वजह से उसे छोड़ दिया मैंने, क्योंकि किसी को कैद करके रखना मुझे भाता नहीं था। जब भी देखता था तो लगता था किसी की ज़िंदगी को मैं ऐसे ही कैद कर रखा है। तो एक दिन आया और मैंने उसे उड़ा दिया। अब घर वाले पूछे कि भाई क्या किया तुमने, सुगे कोई उठा ले गया, कोई बिल्ली उसे खा गई,
तो मैं चुप मार के था, मैंने कहा हाँ बिल्ली खा गई, तो लेकिन पिंजरा तो बंद था, फिर कैसे खाई? फिर मेरे पास कोई उत्तर नहीं था और मैंने जवाब में बोला कि हाँ वो तो खा गया, खाया नहीं, असल में मैंने उसे आज़ाद कर दिया और उसे आज़ाद होने का पूरा अधिकार है, और जहाँ भी गया हो अपनी ज़िंदगी जी ही रही थी। तो आगे बढ़ते हैं, आपने कछुए की कहानी तो ज़रूर सुनी होगी, चलिए आज कहानी तो नहीं कछुए का ज़रूर दर्शन करेंगे, और यहाँ पे भरपूर मात्रा में कछुए हैं, आप इसे जब भी देखेंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, लगेगा कि मैं इनके साथ खेलूँ, थोड़ा वक्त बिताऊँ, और लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये तो खुद कैद है। क्या मानव भी कैद हो सकता है इस तरह? शायद आने वाले वक्त में कैद हो सकता है, जैसे कि कोविड जब था तो उस समय हर तरह के इंसान, यानी अमीर गरीब चाहे जैसे भी इंसान रहा हो, वह भी एक निश्चित समय के लिए कैद हो गया था, बंद हो गया था। हालांकि इंसान तो इंसान अपना रास्ता खोज ही लेता है, लेकिन ये जो जानवर है, पशु पक्षी है, छोटे छोटे जीव जंतु है, उनको कैसे, वो कैसे अपना रास्ता बनाए, बस अपनी ज़िंदगी जहाँ दो खुराक मिल जाए वहीं जीने को मजबूर हो जाते हैं। देखिए कैसे एक कछुआ जो है दूसरे के ऊपर चढ़ रहा है, एक मस्ती में अपनी खेल खेल रहा है। हालांकि इस टाइम भी अच्छा खासा ठंड पड़ रहा था, तो बहुत ज़्यादा चहल पहल तो नहीं दिखा, जो भी है कोशिश यही थी। यहाँ पे हिरन भी देखने को मिलता है जो बहुत कम दिख रहे हैं इस समय, लेकिन आप फरवरी या किसी अच्छे समय में आएंगे तो देखने को बहुत मिलेंगे, झुंड के झुंड देखने को मिलते हैं। आगे जो है जेब्रा है, और आपको ये जेब्रा काफ़ी खूबसूरत देखने को लगेंगे, वीडियो में शायद अच्छे से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आप जब यहाँ से फेस टू फेस देखेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। खैर हम लोग इतना बात करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, और आप भी घूमते घूमते थक गए होंगे, तो यहाँ पे जब भी आप आएँ और घूमते घूमते थक जाएँ तो यहाँ पे रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आप नाश्ता पानी कर सकते हैं। मैं क्लियर कर दूँ कि ये स्पॉन्सर नहीं है, बस मैं आपके लिए जानकारी दे रहा हूँ। नाश्ता पानी करने के बाद बस थोड़ी सी दूर पे आप जाएंगे तो एक बोटिंग है, जहाँ पे आप दो लोगों को एक साथ, दो लोग यानी कपल है, तो वहाँ पे आप एक साथ आप बोटिंग कर सकते हैं। यदि चार लोग हैं तो चार लोग भी यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दो और चार लोगों की एक साथ बैठने की व्यवस्था है, यानी दो लोग या तो एक साथ बैठ सकते हैं या तो चार लोग। हालांकि बोटिंग जब आप करेंगे तभी आपको मज़ा आएगा, देखने में इतना खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन आप जब बोटिंग में करेंगे थोड़ा सा थकावट होगा चलाने में। जब मैं कोशिश किया कि थोड़ा सा बोटिंग करें, थोड़ा दूर गया तो थकावट तो हुआ, लेकिन थोड़ा डर भी था कि कहीं ये बहुत हल्का होता है, डर था कहीं डूब ना जाए, कहीं हम लोग इस पानी में गिर ना जाए, तो जितना हो सका उतना किए और फिर वापस आ गए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मगरमच्छ। आपने तो सुना ही होगा मगरमच्छ कितने खतरनाक होते हैं, हालांकि यहाँ भी मिरर्ड है, विंडोज लगे हुए हैं, ग्लास लगे हुए हैं, और कोई खतरा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इनको देखने से लगता है कि ये पूरी तरह से प्लास्टिक के बने हुए हैं। मैं पहली बार विश्वास ही नहीं किया कि ये प्लास्टिक के हैं कि किसके हैं, तो फिर मैंने थोड़ा सा और जब मुआयना किया, अच्छे से देखा, तो मूवमेंट तो नहीं देखा, लेकिन इसका कलर और सब कुछ देखने के बाद, और ख़ासतौर पर इसके दांत मुँह देखने के बाद, मुझे ये आभास हो गया कि ये जो है कोई नकली या बनावटी कोई चीज़ नहीं है, ये सच में असली वाला मगरमच्छ है। जब आप देखेंगे, पता नहीं, मैं जब विजिट किया तो ये इतने, इनके अंदर इतने मूवमेंट नहीं दिखे, एकदम शांत, पूरी तरह से पशु पक्षी हर सब कुछ शांत थे। मे भी हो सकता है ठंड की वजह से, इतनी भी लेकिन ठंड नहीं थी, थोड़ा थोड़ा धूप था। खैर छोड़िए, चलिए इस जू की सबसे खास स्थान को, यानी खास चीज को दिखाता हूँ। जी हाँ, यह खास चीज़ है एक्वेरियम, यानी मछली घर।
इस मछली घर में इतनी तरह की प्रजातियां हैं, आपको देख के विश्वास भी नहीं होगा कि इतनी तरह की मछलियां हो सकती है। शायद मुझे लग रहा है कि ये भी कम पड़ जाएंगे। जब इसके अंदर एंट्री लेंगे तो आपको बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा, आपको आपके अंग अंग में रोमांच भर देगा। जब आप एंट्री करते हैं तो आपको पहले ही राइट साइड में यह इस मछली को देखने को मिलेगा, और ये इतनी छोटी छोटी मछलियां हैं, जब आप पास से देखते हैं तो आपको लगता है कि वाओ, अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, बस यही है, बस देखते जाए देखते जाए। हालांकि ये वीडियो है, वीडियो में इतना क्लियर नहीं है, लेकिन जब मैं अपनी आंखों से देखा तो बस पहले कुछ देर मैंने देखा इसके अंदर जो कंक्रीट रखी हुई है, जो लाइट लगाई गई है, जो इनके अंदर वाटर रखा गया है, वो एकदम लगता है कि एक कांच की तरह साफ स्वच्छ दिख रहे हैं। देखिए इसकी आंखों को, ऐसा लगता है कि बस हाथों में ले लें इनको, अपने घर लेके चले जाएं। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता, हम तो छू भी नहीं सकते, तो घर ले जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। खैर, इस मछली को जब मैं शूट कर रहा था तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे शूट करें, क्योंकि बार बार वो ऊपर चली जा रही थी और उसका रिफ्लेक्शन आ जा रहा था। तो कोशिश किया हूँ कि आपको मैं दिखा सकूँ। देखिए इस मछली का कलर जब मैं देखा तो मैं दंग रह गया, और इसकी डिज़ाइन, बाप रे, इसकी डिज़ाइन देख के तो मैं दंग रह गया कि ये ब्लैक है फिर भी इसके अंदर की खूबसूरती इतनी झलक के दिख रही हो, मानो कि बस अपना एक्वेरियम बना लूँ। हालांकि तमाम तरह के यहाँ पे मछलियाँ देखने को मिलेंगी। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा कि जो मछली आप देख रहे हो इनके नाम, और जो जो इसका नाम बताएगा उसको, उसके चैनल को मैं सब्सक्राइब करूँगा, VFM स्टूडियो सब्सक्राइब करेगा, और हो सके तो आपके चैनल को प्रमोट भी करेंगे। तो आपको बस जल्दी जल्दी जाना है कमेंट्स बॉक्स में, अपना चैनल नेम, और उसके अलावा जो क्वेश्चन है कि ये कौन सी मछली है, आपको सेकंड, किस सेकंड पे कौन सी मछली है आपको बताना है, सेकंड मेंशन करना है, उसके बाद आपको मछली का नाम बताना है। यदि आप मछली का नाम सही बताते हैं तो बदले में VFM स्टूडियो आपको रिप्लाई करेगा, आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा और साथ में प्रमोट भी करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मछलियाँ, जब भी मछलियों की बात होती है तो इंसान दर दिन पर दिन जहाँ भी दिखता है बस मछलियों को खाता रहता है। हालांकि मछली जो है विष्णु भगवान का अवतार भी माना जाता है, उसको पूजा करके और प्रसाद के रूप में लोग ग्रहण करते हैं, ऐसा मिथ है, ऐसा माना जाता है। हालांकि आप क्या मानते हैं आप ये भी बताएं कमेंट्स बॉक्स में, और जो भी आपको विचार है, सुझाव है, ज़रूर इस चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा करें या बताएं। कुछ बात अभी अधूरी है जो पूरा करना बाकी है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कछुए है ना, जो कछुए आपको जहाँ पानी नहीं थे बस एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, वही कछुए यहाँ पानी में दिख रहे हैं, और देखिए किस तरह से चहल पहल, उथल पुथल कर रहे हैं, और कितनी अच्छे तरह से जिंदगी का शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों से फिर से मैं विनती करता हूँ कि यदि ये चैनल पसंद आए या वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और एक खास बात, यदि आपको पहले वीडियो को देखना चाहते हैं तो दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करें और फॉलो ऑल करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हम लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान है। जब एक सब्सक्राइबर बढ़ता है मन खुशी से झूम उठता है। इसलिए बार बार मैं विनती करता हूँ कि अच्छे से कोशिश करें, अपने दोस्तों को बताएं कि ये चैनल कैसा है, और लोगों से शेयर करें। बिहार सरकार ने जिस तरह से इस एक्वेरियम को सजाया है, इसमें मछलियों को रखा है और उनका ध्यान दिया है, यह वाकई काबिले तारीफ़ है।
जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। बाकी चीज़ों का तो हमें नहीं पता, लेकिन पटना जू की जब भी बात आती है, यूँ कहे जब भी आप पटना में आते हैं तो कुछ भी विजिट करना चाहते हैं तो सबसे पहले समय निकाल के यहाँ पे आए और 30 रुपये का टिकट कटाए, पूरे फैमिली के साथ बल्कि आए और यहाँ का नज़ारा उठाए। सच बता रहा हूँ, आप यहाँ पे आने के बाद बोर नहीं होंगे। आपको बैठने का स्थान है, पीने का पानी पीने का स्थान है, फ्रेश होने का स्थान है, और सबसे बड़ी बात है कि आप एकांत में बैठ के अपने दोस्तों से, अपने यारों से अपनी मन की बातें कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है।